महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। परभणी में 900 मुर्गियों की मौत, उसके बाद कई जिलों में भी कई पक्षियों की मौत हुई, जिसके बाद से महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। थाने में सबसे पहला केस आया था, 16 बगुओं की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसके बाद उनकी जो जांच सैंपल है वो दे दिए गए थे लैब में, ताकि पता लगाया जा सके कि बर्ड फ्लू है या नहीं। अब आखिरकार जो है जांच में कंफर्म हो गया है कि बर्ड फ्लू महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। थाने वेस्ट का ये वो इलाका है जहां पर 16 बगुओं की जो बगुले हैं उनकी लाशें यहां पर मिली थी। विजय वाटिका नगर है यहां पर, और आपको बता दें कि यहां पर 16 बगुले संदिग्ध तौर पर पाए गए थे। ये ऐसा इलाका है जहां पर आसपास उतनी पानी या तालाब नहीं है, लेकिन वो बगुले यहां पर कैसे आए, सबसे बड़ा सवाल उठता है। बगुलों के अलावा 2 तोते भी यहाँ पर मौजूद थे, और ये एक रेसिडेंशियल इलाका है, यहाँ पर रहवासी इलाका है। आसपास के लोगों को अब जाकर पता चला है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके चलते उनको और आसपास के लोगों को भी अलर्ट पर रख दिया गया है कि जितनी भी सुरक्षा और जितने भी एहतियात हो वो बरतें। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ के रहवासी भी रह चुके हैं। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? जी, यहाँ पर कब बगुले मिले, कितने थे, और अब बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई, तो आप यहाँ पर रहते हैं तो कितना टेंशन है? टेंशन तो है, बेसिकली 4-5 दिन पहले यहाँ पर 14 बर्ड डेड बॉडी मिला था, बगुले थे वो? हाँ। उसके बाद भी 2-3 दिन में कंटिन्यू एक दो ऐसा मिल रहा था। दिस वॉज द पोजिशन बेसिकली यहीं पर। तो यहाँ पर नाला भी है, तो मेरे ख्याल से कंटामिनेटेड जो वाटर आ रहा है यहाँ से, काम चल रहा है, तो मे बी उसकी वजह से भी हो सकता है शायद। तो लेकिन अभी बर्ड फ्लू कंफर्म हो गया है ऑल ओवर, तो कितना ज़्यादा, मतलब क्योंकि आसपास आपके एरिया में मिला है, तो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कुछ सेफ्टी, कुछ क्लीनिंग किया गया है? हाँ, TMC के लोग आ रहे हैं, और वो लोगों ने कुछ बॉडी पूना वगैरह भेजा था जी। और क्लीनिंग वगैरह तो हो रहा है, मतलब बट लोग बेसिकली लोग यहाँ पर फीडिंग करते हैं बर्ड्स को। अच्छा। हम लोग मना कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे वो लोग, तो TMC ने उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कैमरा के जरिए, जैसे कि यहाँ के रहवासी बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी कुछ जो कबूतरों का झुंड है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लोग यहाँ पर पक्षियों को दाना देने आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो केस है बर्ड फ्लू का आया, जिसकी पुष्टि जांच के बाद हुई। मेरे साथ एक और यहाँ के रहवासी हैं, संदीप नाम है इनका, जिन्होंने यहाँ पर पक्षियों को ऐसे मृत अवस्था में देखा। संदीप, कितने थे, कहाँ कहाँ आपने देखा, किस स्थिति में थे? यहाँ पे मतलब मरे हुए थे, यहाँ पे 4-5 थे, वहाँ पे 4-5 थे, और यहाँ पे 2 तोते थे यहाँ पे। हाँ, दूर दूर चलते, मतलब ऐसा। कौन कौन से पक्षी थे? बगला और तोता था, तोते थे, 2 तोते थे, और 7-8 से ज्यादा थे बगले। अच्छा। उसके बाद गवर्नमेंट की टीम आई, सैंपल वगैरह आई और पूना लेके रखी गई। अच्छा, हाँ, पूना लेके गई। पहले ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब 2 दिन ऐसा हम लोग को देखा, मतलब ऐसा क्यों हुआ अचानक से, दो दिन हुआ। हाँ, बाद में नहीं देखे, मतलब 3-4 दिन अभी नहीं हुआ, फ्राइडे या थर्सडे को आया था, मतलब सब। अच्छा, जब वो सैंपल ले गए उसके बाद भी इंसिडेंट हुआ था? एक दिन हुआ, बाद में नहीं हुआ, मतलब ऐसा। ओके। तो ये थाने वेस्ट का इलाका है जहाँ सबसे पहले ये घटना हुई, जब पक्षियों की मौत हुई। उसके बाद महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, कई जिले हैं, परभणी हो गया, कोंकण का इलाका हो गया, मुंबई में चेंबूर हो गया, ऐसे हर जगहों पर पक्षियों की जो है संदिग्ध स्थिति में मौत हुई, जिसके बाद उनके सैंपल्स लैब में भेजे गए, और आखिरकार अब ये कंफर्म हो गया है कि देश के कई राज्यों के बाद महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की एंट्री हो गई है, जिसके चलते लोगों में काफ़ी चिंता की बात है। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि कोरोना के इस दौर में बर्ड फ्लू की भी मार लोगों को झेलनी पड़ेगी, और इसके लिए कितने तैयार हैं हम, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ नम्रता दुबे, इंडिया TV, मुंबई।